केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए पुष्टाहार की व्यवस्था की गई है ताकि कुपोषित बच्चों को इस पुष्टाहार के माध्यम से स्वस्थ किया जाए। लेकिन संत कबीर नगर के साथा ब्लॉक अंतर्गत प्राप्तपुर लोहरसन परसाई कोइल पार समेत 215 गांव में निर्माण और समाप्ति तिथि के 1215 पैकेट और अपोष्ट 1529 पैकेट की सप्लाई जो सेमरियावा ब्लॉक अंतर्गत तैयार कर सप्लाई देने वाली यूनिट को बांटने पर मजबूर किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंद्रावती देवी ने बताया कि अगस्त के माह में एक्सपायरी पोषाहार बंटवाया गया, इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीणों में काफी रोष देखा जा रहा है। दूरदर्शन के प्रतिनिधि को जब इसकी जानकारी हुई तो मौके पर इस स्टोरी को कवरेज की गई। कवरेज के बाद अब जब जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया गया तो जिलाधिकारी प्रेम रंजन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी जांच निष्पक्ष कराई जाएगी, अगर कोई दोषी होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो पोषाहार मिला था 10 पैकेट में बिना डेट के और बिना मोहर के था, इसलिए वो बांटा नहीं है पोषाहार, और हमने कार्यालय को सूचित कर दिया है। बिना डेट का पोषाहार मुझको 150 पैकेट मिला है, इसलिए मैं बच्चों को बांटी नहीं हूँ, क्योंकि बिना बांटेंगे तो हमारे ऊपर दिक्कत आएगी। दोबारा मिला, हमने सब पैकेट उठाकर रख लिए हैं, किसी को नहीं दिए। सीडीओ साहब इसकी स्वयं जांच कर लेंगे कि ये जो पोषाहार आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है और मानक के अनुरूप है या नहीं है, और जो भी गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके पूरे तथ्यों की जांच कर लेंगे। और अगर इसमें कहीं पे भी किसी पे भी कोई भी लापरवाही का ऐसे हम लोग को संकेत भी मिलता है ना, तो हम लोग निश्चित तौर पे बहुत ही कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।